तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले सी वाली को, सी यहाँ से लिखा है तो हमने इसमें डालना है सी, आपने देखना है इसके ऊपर, फिर आपने इसमें इंक डालनी है। वैसे मालियों को क्या फायदा है? अब इनको हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाली डालनी है सी। कोई है नहीं यहाँ पर, मैं भी कोई लड़का रखा ही नहीं है, लड़का रखेंगे ये तो मैं इतनी देर वेट थोड़ी करा था तुम्हें, तो यहाँ भेज देता ना, ये इसके बाद हम डालेंगे M664। तो M664 जो जहाँ पर है ये सेकंड है, इसके अंदर हमने डालना है। इसके अंदर पूरी बोतल आ जाती है तो इससे ज़्यादा आपने डालनी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे ये बहुत भर जाए और बाहर आ जाए, तो इस सारा आपने ध्यान से डालना है और ये चेक करना है कि इसके नीचे जो नंबर लिखा है वो सही होना चाहिए। ये आप सीख रहे हैं एप्सन का जो प्रिंटर होता है इसके अंदर हम इंक कैसे डालते हैं, हाउ टू रिफिल एप्सन प्रिंटर। इसके अंदर स्टार्टिंग में पूरा ये भर जाएगा आपका, आपने देखा ख़त्म हो गई तो इसको हमने इधर कर दिया। इसके बाद हमने डालनी है Y664, इसका भी नीचे से हमने नंबर चेक करना ही है, और उसके बाद है ब्लैक। आज आप सीख रहे हैं कि हम कैसे एप्सन प्रिंटर की इंक डालते हैं। आओ ये एक कैट सिक्स डाल दिए। इसके बाद क्या करना है, अपनी सारी बंद कर देनी है, ये जो है इसको हम यहाँ लगाते हैं, इसको बंद कर देंगे ऐसे, और इसको ऐसे, और इसको, और फिर इसको उल्टा करके ऐसे कर देंगे, तो ऐसे हम इसके अंदर भरते हैं और फिर इसके ढक्कन को ऐसे। तो आज अब लोगों ने सीखा कि हम कैसे इंक डालते हैं और कैसे इसको वो करते हैं।